आज हम बनाएंगे आलू मसाला डोसा और साथ में खाया जाने वाला वेजिटेबल सांबर। हमने 1 किलो चावल ले लिए हैं, इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे। हमने 200 ग्राम उड़द की छिलके वाली दाल ले ली है। अगर हम बिना छिलके वाली उड़द की दाल लेंगे तो और भी अच्छा है। इसे हम धो लेंगे। हमने चावलों में पानी डाल लिया है, इसको हम 1 दिन के लिए भिगो लेंगे। हमने दाल में पानी डाल लिया है, इसे हम 1 दिन के लिए भिगो लेंगे। 1 दिन हो चुका है, हमने चावलों का पानी निकाल कर इन्हें अच्छे से धो लिया है। हमने दाल का पानी अलग करके इसे भी धो लिया है। अब हम दाल और चावल दोनों को मिक्सी में पीस लेंगे। हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है और दोनों बैटरों को मिला लिया है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और हमारा बैटर ऐसा हो चुका है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे 1 दिन के लिए प्लेट से ढककर रख देंगे। हमारा बैटर फूल चुका है और डोसा बनाने के लिए तैयार है। हमने आलूओं को उबाल कर छील लिया था और फिर उन्हें मैश करके इस तरह का बना लिया है। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें आधा चम्मच जीरा डाल लिया है, थोड़ी सी हींग डाल ली है, 1 चम्मच राई डाल ली है, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है, कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है, सब अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है, स्वाद अनुसार हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, सब अच्छे से मिला लेंगे। हमने उबाल कर मैश किए हुए आलू डाल लिए हैं, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम धीमी आग पर पकाएंगे। हमने इसे टोटल 2 मिनट तक पकाया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारी डोसे की फिलिंग तैयार है। हमने तवे पर तेल लगाकर इसे फुल गर्म कर लिया है। इस पर पानी की छींटे मार ली हैं और इसे कपड़े से पोंछ लेंगे। हमारा तवा डोसा पकाने के लिए तैयार है। हमने तवे पर फिर से थोड़ा सा तेल लगा लिया है। हमने इस पर बैटर डाल लिया है, हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसके किनारों पर और इसके ऊपर तेल लगा लेंगे अच्छे से। इसे हम किनारों से हल्का का छुटा लेंगे। इस पर फिलिंग डाल ली है, बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे। यह पक चुका है, यह खाने के लिए तैयार है। अब हम साथ में खाया जाने वाला वेजिटेबल सांबर तैयार करेंगे। 1/2 किलो घिया ले लिया है, 4 छोटे वाले आलू ले लिए हैं, 250 ग्राम सीताफल ले लिया है, 100 ग्राम शलगम ले ली है, 100 ग्राम बीन्स की फली ले ली है, 50 ग्राम शिमला मिर्च ले ली है। इन्हें हम कुकर में निकाल लेंगे। हमने 250 ग्राम टमाटर ले लिए हैं, इन्हें हम बारीक काट लेंगे। हम इसमें पानी डाल लेंगे, पानी 1/2 लीटर है। इसमें टमाटर भी डाल लेंगे। कुकर को बंद कर देंगे। 1 सीटी लग चुकी है, 10 मिनट तक कुकर को ना खोलें। उबल चुके हैं, इसे हम ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे। यह इस तरह का हो चुका है। हमने 2 चम्मच तेल ले लिया है, तेल गर्म हो चुका है। हमने 1 चम्मच जीरा डाल लिया है, चुटकी भर हींग डाल ली है, 1 चम्मच राई डाल ली है, 2 लाल मिर्च डाल ली हैं, 2 तेज़पत्ते डाल लिए हैं, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल लिया है, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है। हमने इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने पीसी हुई सब्जी का बैटर डाल लिया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे, 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। 50 ग्राम इमली का पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमने 1/2 लीटर पानी डाल लिया, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम उबाल आने तक तेज आग पर पकाएंगे। इसमें उबाल आ चुका है, इसे हम 10 मिनट तक धीमी आग पर पकाएंगे। यह पक चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। इसमें हम कड़ी पत्ता पाउडर डाल लेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यह तैयार है। हमने इन्हें खाने के लिए सर्व कर लिया है।